Hello dear students, welcome again on your favorite channel, that is Unacademy Studio Placebo. How are you guys? कैसी चल रही है आपकी preparation? आपने देख लिया होगा कि हमारी जो solid team है यहाँ पर Unacademy Studio Placebo पे आपको NEET और AIIMS की यहाँ पे तैयारी कराती है with best of the notes, with best of the examples. आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ ray optics का ये लेक्चर जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे विद गुड एग्जांपल्स. ओके गाइस, तो स्टे ट्यून्ड. और अभी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक बटन भी दबा दें. यस, ओके. अगर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात्स करें तो टेलीग्राम ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं आपको हमारे चैनल से जुड़ने का मौका मिल जाता है. यस, जिसके ऊपर हम टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस देते रहते हैं. आप नीट प्लेसिबो का जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करिए. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑलरेडी ज्वाइन. यस, बहुत सारे बच्चे पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं. आप अभी ज्वाइन करें, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं. और हम टाइम टू टाइम अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म की जो स्पेशल क्लासेस आप लोग के लिए रखते हैं दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, तो उसको एक्सपीरियंस करने का आपको मौका मिल जाता है इस चैनल के ऊपर. अनअकैडमी प्लस की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छे फीचर्स इसके यहां पर मौजूद हैं. अगर हम क्विजेस के बारे में बात करें बच्चों, तो कुछ आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है उसको हम क्विज का नाम देते हैं. वो आप देकर ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको कितना क्लियर हुआ एक एग्जाम का, आपको यहां पर पता चलता है. टेस्ट सीरीज जो हमारी यहां पर चल रही है दोस्तों, वो टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम यहां पर नीट और एम्स जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यहां पर तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली, राइट. तो टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्मार्ट टेस्ट सीरीज ली जो है वो काफी अच्छे से डिजाइंड है. डाउट क्लियरिंग सेशंस यहां पर सारे लाइव होते हैं, यानी कि जो मेजर फैकल्टीज हैं वही यहां पर डाउट सेशंस लेते हैं. जैसे कि मेरे जो कोर्स चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर, वो यहां पर डाउट सेशंस उसके मैं ही लूंगा. यस, कोई जूनियर फैकल्टीज नहीं है जिस तरह के कहीं और इंस्टीट्यूट्स में होता है. लाइव क्लासेस होती हैं सारी की सारी, तो एक एनर्जी और एंथुसियाज्म बना रहता है जिंदगी में. पर्सनलाइज लर्निंग हो जाती है क्योंकि आप कभी भी कहीं भी किसी भी एडुकेटर से कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं. यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एडुकेटर्स के यहाँ पर बैच कोर्सेज हैं, कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज भी यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, राइट. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एडुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी हैं ये. और ये इन एक्सपीरियंस का आप फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं अपनी नीट और एम्स की प्रिपरेशन के अंदर. दे आर वन ऑफ द बेस्ट एडुकेटर, ठीक है. हियर आई एम ऑल्सो, ठीक है, मैं भी अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहा हूँ. ओके, टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें तो वीकली और मंथली भी यहाँ पर होता है. 11, 12 और ड्रॉपर के लिए यहाँ पर अलग से आपकी इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज होती है. तो आप 11th के हैं या 12th के हैं या ड्रॉप भी आपने कर रखा है तो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज यहाँ पर मौजूद होंगी. इस तरीके से इंडिविजुअल कोर्सेज आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं जिससे आप एक पर्सनलाइज लर्निंग कर सकेंगे. कैप्सूल कोर्सेज यानी कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पढ़ाई कैसे होती है और ज़्यादा कंटेंट कैसे हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं. यस, जितना ज़्यादा आप एडुकेटर के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही जल्दी आपका कोर्स यहाँ पर ख़त्म होता है, सिंपल सी बात है, राइट. तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पर ये फॉलो किया जाता है. नाउ हाउ टू गेट दिस ऐप, तो अगर हम बात करें तो आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करेंगे और टॉप ट्रेंडिंग ये ऐप्स में से रहती है. आप इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके बाद लॉगिन करते हैं और साइन इन करते हैं, फिर प्लस का बटन यहाँ पर दबाते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे हम बटन दबा सकते हैं. नीट और एम की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना और गेट सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर बटन दबाना है. इट इज़ अ पेड प्लेटफॉर्म एक्चुअली, तो हम यहाँ पर बात करें तो आपको सब्सक्रिप्शन के अलग अलग पेमेंट स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि पर मंथ अगर हम कॉस्ट देखें तो 12 मंथ का और 24 मंथ का इफेक्टिवली काफ़ी कम पड़ता है. आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर मैं रिकमेंड करूँगा कि 12 मंथ का अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, रोहित 10 कोड लगा सकते हैं. ऑन एनी ऑफ द ऑप्शन रोहित 10 इज वैलिड, ठीक है, हमेशा वर्क करेगा. ओके, तो रोहित 10 कोड अगर आप यहां पर लगाते हैं आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है. फॉर एग्जांपल आपने 12 मंथ का पैकेज सेलेक्ट किया था, दैट इज 30,000 पर एनम. 12 मंथ के अंदर 30,000 है, वो रिड्यूस हो जाएगा ओनली 27,000. ओके गाइस, तो आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से काम किया सकता है. 24 मंथ का भी अगर मैं एग्जांपल लूं तो फीस है आपकी 48,000, वो रिड्यूस हो जाएगी 10% का एक्स्ट्रा यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा आपको रोहित 10 कोड लगाने के बाद, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे देनी जरूरी थी न्यू स्टूडेंट्स को. काफी न्यू स्टूडेंट्स हमारे यहां पे जुड़ते रहते हैं, उन न्यू स्टूडेंट्स को मैं ये भी बोलता हूं कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन दबा दें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते चले जाए. ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था होमवर्क में, राइट. तो ये एग्जाम्पल हम कैसे कर सकते हैं वो हम यहां पर बात कर लेते हैं. उससे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन हमारे साथ यहां पर लाइव
मौजूद हैं. यस, हमारे साथ लाइव कौन कौन जुड़ चुका है एंड हियर वी आर. ठीक है, निहारिका है ज्वाइन, श्रुति, तनिष्का. हेलो श्रुति, निहारिका एंड तनिष्का. ठीक है, देवा व्रता बहारी हमारे यहाँ पर. ठीक है, प्रत्युष पहाड़ी यहाँ पर हैं. ओके, हेलो प्रत्युष, हाउ आर यू. मिनल यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. हेलो अक्षित, हेलो. राइट, चलिए तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं. और यहाँ पर अगर देखें तो पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज हमसे निकालनी थी. ठीक है, फाइनल इमेज की पोजीशन हमको निकालनी थी. दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट. सबसे पहले क्या दे रखा है, एक लेंस दे रखा है. ठीक है, इस तरीके का जो लेंस दिया होता है ये एक्चुअली कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसलिए फोकल लेंथ इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर. राइट, इधर से रेज जाएंगी और फिर इधर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा. अब वो रिफ्रैक्शन का पॉइंट कहाँ पर होगा, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा दोस्तों, है ना, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस. ठीक है, ये लिख सकते हैं हम साथ साथ में, लिख सकते हो आप रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस. तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस में सर लेंस फॉर्मूला लगेगा 1/v - 1/u = 1/f करके. इस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं. राइट, बिल्कुल सही. तो 1/v - 1/u = 1/f अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो u की वैल्यू डाल सकते हैं, f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं. f की वैल्यू अगर हम 10 लिखते हैं और u की वैल्यू 15 मत लिखना. क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है पोल लेंस का और इंसिडेंट रेज जा रही है राइट में, तो पोल से राइट वाला डायरेक्शन होता है पॉजिटिव और पोल से ही लेफ्ट वाला डायरेक्शन होता है नेगेटिव. यस सर, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में बैठा है. यस, इसलिए u की वैल्यू हमको यहाँ पर -15 लिखनी पड़ेगी. 1/v - -of 15 = 1/f. ठीक है, तो ये जो फोकल लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है, इसको ले लिया 10, माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन ये फिर से उधर की तरफ जाएगा, फिर से वो नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों. और बड़ी आसानी से एलसीएम लिया जा सकता है, आपको दिख रहा है राइट. तो 30 यहां पर आ गया, नीचे एलसीएम ले लिया. इसके पास बेचारे के पास 3 नहीं है, इसके पास 2 नहीं है ताकि वो 30 बना सके राइट. तो 1/v की वैल्यू 3 - 2 = 1, तो v की वैल्यू हमारे पास +30 आ जाती है. व्हाट डू मीन बाय +30? यस, बिल्कुल प्लस डायरेक्शन के अंदर 30 पर, यहां से लेकर यहां पर 30, यहां पर 45 सेंटीमीटर है ना, तो पहले ही बनने की कोशिश करेगा. दिस इज द फर्स्ट इमेज एक्चुअली राइट. अब हम आगे इसको सॉल्व करना चाहेंगे. मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस तो हम ले ही लेंगे, लेकिन यहां पर अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो ये है हमारा अब कॉनकेव मिरर, और यहां से रेज आती हुई नजर आएंगी. ठीक है, यहां पर था ना वो आई वन, तो कितनी दूरी होगी आई वन की इससे, तो ये जो रेज हो रही होंगी ये आई वन से गुजर रही होंगी, तो इसको तो ऑब्जेक्ट जैसा लगेगा. यस, तो कॉनकेव मिरर के लिए यू कोऑर्डिनेट जो है ये टोटल मिला के कितना था, 45 में से कितना माइनस करना था, 30 राइट. देख सकते हैं इधर ये था 45, इसमें से 30 माइनस करेंगे, रिमेनिंग विल बी 15, तो हम यहां पर 15 ले सकते हैं. तो ये वाली डिस्टेंस आपकी 15 है, तो u की वैल्यू -15 हो जाएगी. ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी. फिर से इसका पोल लिया जा सकता है, इधर के डायरेक्शन में रेज जा रही है राइट हैंड साइड में, ये पॉजिटिव और ये उल्टा नेगेटिव. अब इसका जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ हमको दे रखा है, तो फिर से हमको v की वैल्यू मिल जाएगी. यानी कि यहाँ पर मिरर फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, इसके फोकल लेंथ की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर राइट. जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो यहां पर -10 सेंटीमीटर है, इससे हमको v की वैल्यू मिल जाएगी. तो सेकेंड स्टेप विल बी रिफ्लेक्शन. ठीक है, सेकेंड स्टेप विल बी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर. तो ये बच्चा आपको बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा, है ना, कॉनकेव मिरर जो है यहां पर रिफ्लेक्शन करेगा. मिरर फॉर्मूला लगेगा 1/v + 1/u = 1/f. भाई सिंपल सी बात है, यहां पर u की वैल्यू लिख देंगे और यहां पर f की वैल्यू लिख देंगे राइट. बड़े आसान है, बड़ा ही आसान है ना. और ये जो माइनस वाला टर्म है इसको इधर ले जाएंगे, वो प्लस में हो जाएगा. तो ये -1/10 + 1/15, और यहां पर एलसीएम हम जब लेंगे तो 30 का एलसीएम ले लेंगे ना, 30 एलसीएम ले लेंगे. इसके पास जो है वो है -3 रहेगा, इसके पास +2 रहेगा, और यहां पर 1/v. तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, सर v की वैल्यू आएगी -30 के बराबर राइट. ये सेकेंड स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें. अब -30 का मतलब ये है कि जो ये यहाँ से जो रेज आएंगी वो इधर की तरफ नेगेटिव में ही जाएंगी, और कितनी दूरी पर जाएंगी, 30 सेंटीमीटर की तरफ जाएंगी.
ठीक है, यहां से जो रेज आई थी वो इधर से इधर रिफ्लेक्ट होगी, यहां पर बनेगी, ये दूसरी इमेज बोल सकते हैं अपन, है ना, जो मिरर की वजह से बनी होगी, जो सेकंड स्टेप में बनी होगी मिरर, राइट, की इमेज। और यहां पर बड़ी आसानी से इसको हम 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब यहां पर लेंस मौजूद है और लेंस से कितनी दूरी, सोचो सर लेंस से कितनी दूरी, लेंस से दूरी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल मिला के 45 सेंटीमीटर। क्या ये रेज वापस लेंस में नहीं जाएगी? अरे हाँ सर, ये तो सोचा ही नहीं, दो में ही निपटाने की सोचते थे। नहीं नहीं नहीं, फाइनल इमेज क्या होगी, पहले रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, फिर वापस से रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि रेज मिरर से फिर से लौट कर आती है, ये चीज़ याद रखोगे, है ना। और यहाँ पर जो दूरी आपको दिख रही है 15 सेंटीमीटर, फिर से हम लेंस के लिए बोल सकते हैं यू की वैल्यू -15 होगी, क्योंकि रेज इधर जा रही है तो ये वाला डायरेक्शन इसका पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसके अपोजिट वाला जो पोल से देखोगे वो नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। सर ये तो बिल्कुल वही डेटा है जो कि अपने पार्ट वन में था। देखो U की वैल्यू हमने क्या ली थी, U की वैल्यू हमने ली थी -15, ठीक है, और F की वैल्यू ली थी हमने 10, तो अपने V की वैल्यू कितनी आई थी, 30 सेंटीमीटर के बराबर आई थी। अगेन हमारा जो आंसर आने वाला है, ऑब्वियसली आफ्टर अप्लाइंग द लेंस फॉर्मूला, ठीक, ये चीज आपने नोट कर ली होगी। यहां पर सेकेंड स्टेप को इसको हम मिटा देते हैं। थर्ड स्टेप जो मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं, वो अगेन हम यहां पर रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, अगेन यहां पर रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं फ्रॉम द लेंस। तो अगेन V की वैल्यू जो आने वाली वो +30 लेने वाली है, वो कहां आएगी, यहां से आ रहा है ना, यहां से आ रहा है और ये यहां को इधर चला जाएगा 30। तो फाइनल आंसर इज 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द लेंस। क्या होगा फाइनल आंसर इज 30 सेंटीमीटर। ये आपका I2 था, यहां पर कोई I1 बना था, और फाइनल इमेज आपका I3 बनेगा थर्ड स्टेप के अंदर, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द लेंस। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल का, राइट, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना, बिल्कुल सही है। ओके गाइस, नाइस एंड ईजी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नाइस था, ईजी था, लेकिन तीन स्टेप प्रोसेस था, थोड़ा सा लेंथी था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहीं पर ही मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। ये सारी चीजें काफी आसान है, ठीक है, वी विल रिमूव दिस नाउ, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, इसके अंदर मेनली हम किसके बारे में बात करते हैं, लेटरल मैग्नीफिकेशन के बारे में, ठीक है। और ये जो लेटरल मैग्नीफिकेशन होता है, इसको M से डिफाइन करते हैं, HI/HO से इसको डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर इसकी वैल्यू V/U आ जाती है, ठीक है, V/U आ जाती है। उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, कोई भी एक लेंस ले लेते हैं, अधिकतर हम जो लेंस लेते हैं वो कॉन्वेक्स को ही स्टडी करते हैं, तो ये ले लेते हैं, और यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, यहां से ये पैरेलल जाता है, यहां से इधर की तरफ फोकस से चला जाता है, ऐसा हम कर लेते हैं, राइट, और यहां से जो पोल से जाता है उसका रे सीधा ही चला जाता है। तो यहां पर आप एक इमेज बना सकते हैं, अगर ये 8 पॉइंट है तो ये 8 डैश पॉइंट हो जाएगा, राइट, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर ये बी है तो ये यहां पर बी डैश हो गया, ए बी और A'B', ठीक है, ये उसका इमेज हो गया, इन्वर्टेड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्वर्टेड तब बनता है जब इसका जो F पॉइंट होता है उससे लेफ्ट में हो गया, ठीक है, अगर अंदर हो जाएगा तो फिर वर्चुअल इमेज बन जाती है, ठीक है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। ये एंगल जो हमको थीटा दिख रहा है वही एंगल ये भी थीटा हमको दिख रहा है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, PB के बराबर, लेकिन जो U है उसके बराबर नहीं कर सकते इसको, क्योंकि U कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां से लेकर यहां तक ये PB' है, ठीक है भाई, इसको डायरेक्टली V इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि V डिस्टेंस तो पॉजिटिव में आएगी ना, क्योंकि V कोऑर्डिनेट यहां पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो पोल से राइट में बैठा है और राइट में ही इंसिडेंट रेज जा रही है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये है आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये है आपकी हाइट ऑफ द इमेज। ऑब्वियसली हाइट ऑफ द इमेज नीचे है तो वो नेगेटिव होगी, राइट। अगर मुझे यहाँ पर 10 थीटा दिख रहा है तो मैं 10 थीटा को लिख सकता हूँ कितना, HO पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है भाई, क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये PB की वैल्यू -U यहाँ पर होगी।
कोई ये सोचे कि सर ये तो टेन थीटा आपने नेगेटिव लिख दिया, गलत। यू खुद में नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू एच आई अपॉन पी बी डैश, पी बी डैश को तो वी लिखना है लेकिन एच आई खुद में नेगेटिव है इसलिए इसको माइनस एच आई लिखना चाहिए ताकि नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव हो जाए। और ये यहाँ पर पी बी डैश लिख सकते हो प्लस वी के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ, यहाँ पर माइनस वी बाई यू नहीं आता है, वी बाई यू आता है, तो माइनस किधर आता है सर, मिरर में आता है। बिल्कुल सही बात है, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू वी बाई यू, यहाँ पर हमको देखना है। चाहिए आप यहाँ पर नोट कर लें, ओके देन नोट कर लिया, समझ में आ गया, यस बिल्कुल समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला, अगर हमको जिंदगी में पता ही है कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ है, पूरे टर्म को एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या पूरे टर्म को यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यू बाई वी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, ठीक है, ऊपर u से मल्टीप्लाइड है तो ऊपर u आ जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर u ले लेंगे, माइनस वन को इधर ले जाते हैं तो u बाय एफ प्लस वन हो जाता है, राइट, और ये हो जाता है आपका u बाय वी, ये हो जाता है आपका u बाय वी, इसको इन्वर्ट कर देंगे एलसीएम लेने के बाद, पहले एलसीएम ले लेते हैं f, और ये हो गया f प्लस u, अब इसको इन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा v बाय u और ये हो जाएगा f अपॉन f प्लस u, राइट, सब कुछ क्लियर है, वॉइस भी क्लियर, वीडियो भी क्लियर, कॉन्सेप्ट भी क्लियर, राइट, ठीक है। और बाकी सभी अपने फ्रेंड्स को बुला लो यहां पर, है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ओके गाइज, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। हमारा m का वैल्यू f अपॉन f माइनस यू किधर आता था, f अपॉन f माइनस यू मिरर के अंदर, ठीक है, जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं, यहाँ पे स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं हमारे थिन लेंसेज, उसके लिए f अपॉन f प्लस यू यहाँ पर लग जाए, ओके। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू लेंसेज, तो इसके अंदर आपके कॉन्वेक्स लेंसेज से भी और आपके कॉन्केव लेंसेज से भी इमेज बनती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, कॉन्वेक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई, कॉन्वेक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो होता है, हम यहाँ पर पहले रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, अगर ये रियल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हुआ, एट इन्फिनिटी, तो हम किस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हैं कि सर इन्फिनिटी से ये रेज आती हैं, ठीक है भाई, है ना, ऐसे रेज आती हैं और एकदम पॉइंट पे मिलती हैं, यहाँ पर एकदम पॉइंट पे मिलती हैं, इसको हम फोकस बोल देते हैं। और फोकस की डेफिनेशन भी यही है, कोई भी लेंस होता नहीं किसी भी तरीके का, मान लेते हैं कि हमको पता भी नहीं होता कि ये कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है या कोई और भी हो सकता है, क्योंकि बाई कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के अंदर तीन है, प्लेनो कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्केवो कॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्सो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, बाई कॉनकेव, कोई भी लेंस होता है उसकी डेफिनेशन ही फोकस ही होती है। व्हेन द पैरेलल रेज आर कमिंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, व्हेन द पैरेलल रेज आर कमिंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इट फोकस्ड एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट को ही हम फोकस कहते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर फोकस पर आ जाती है, पेरेक्सियल रेज होनी चाहिए, ठीक है, पेरेक्सियल रेज का मतलब होता है नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये होता है। अगर ये टेढ़ी आ जाए तो, है ना, ये कम लोग बताते हैं इस चीज को, है ना, अगर ये टेढ़ी आ जाए तो ये यहां पर फोकस जो होता है ना उसके नीचे यहां पर फोकस होती है भाई, है ना, यहां पर फोकस होती है। अब ये तो सीधी जाएगी जो भी पोल पे टकराई, ये एंगल थीटा बन जाता है, ये नीचे आर बन जाता है, ये एफ होता है। अब ये आर दूरी मांगते हैं कितनी होती है, तो हम बड़ी आसानी से टेन थीटा की वैल्यू ना इस ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर आर बाय एफ लिख सकते हैं ना, बड़ी आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होगी, इंपॉर्टेंट भी हैं। आर इज इक्वल्स टू एफ टेन थीटा। अब ये जो है, आप थीटा तो बार बार चेंज नहीं कर सकते, मान लेते हैं कि भाई सन से आ रही है रेज, है ना, तो सन को तो बार बार इधर उधर कर नहीं सकते आप। F जो है वो आप अलग अलग लेंस इस्तेमाल कर सकते हो, तो R इज प्रोपोर्शनल टू F, इस पर क्वेश्चन बनता है।
अब यहाँ पर जो सन होता है वो गोल होता है, तो उसकी इमेज भी क्या होती है, गोल बनती है, उसकी इमेज का ये रेडियस कहलाता है, इसीलिए इसको आर बोलते हैं, नहीं तो हम डिस्टेंस को डी एक्स कुछ भी बोल सकते थे। तो ये रेडियस होता है, ठीक है भाई, और इसका जो एरिया होता है वो एरिया आपका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पुराने, बोल सकते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, कि एरिया किसके प्रोपोर्शनल है। तो ये एरिया एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आर इज प्रोपोर्शनल टू एफ, राइट। इसको नोट कर लो, अरे मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है चीजें समझने में, आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था ना, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। अब आपका सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं ना, ठीक है, साथ में नोट भी कर सकते हो आप ना, साथ में नोट भी कर सकते हो, इस तरीके से समझाया जा रहा है, ठीक है आज, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड पॉइंट है कि सर जब आपके इन्फिनिटी और 2f के बीच में कोई बैठा हो ना, 2f क्या होता है, ये होता है f और ये होता है आपका 2f, उसका डबल, ठीक है भाई। अब यहाँ बैठा हुआ है ना, इन्फिनिटी और 2f के बीच में कहीं पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से ये रेज जो है ये तो फोकस से जानी है, तो हमको पता ही है, और जो यहाँ से जानी है ना, यहाँ से पोल से जानी है, वो इधर मिल जाएगी, ठीक। ये आपकी डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है, इमेज जो है ये आपकी डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है। इन्फिनिटी पे होता है तो आपकी हाईली डिमिनिश्ड बनती है, और ये आपकी डिमिनिश्ड बनती है, इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है, ठीक है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, ये चीज़ आप देख लेना, है ना। थर्ड स्टेप के अंदर जो होता है, अगर 2f पर ही बैठा हो, है ना, अगर आपके 2f पर ही बैठा हो, तो यहाँ पर जो आपका ये ऑब्जेक्ट मौजूद है ना, ऑब्जेक्ट जो मौजूद है, ठीक है, 2f पर ही है, तो ये यहाँ से एक तो ये f से पास होता है, और ये पोल से सीधा का सीधा यूँ ही निकल जाता है ना, तो ये बिल्कुल उसी साइज़ का बनता है ना, उसी साइज़ का ये बनता है, और ये 2f पर ही बनता है, एट 2f। और यहाँ कहाँ पे बनता है ये यहाँ पर कहाँ पे बनता है आपका, F और 2F के बीच में बनता है, ठीक है, बिटवीन F एंड 2F, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, नोट कर लो, ये सेम साइज का बनता है ना, सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, हो गई, राइट। आगे बढ़ते हैं, आपने सेकंड ऑप्शन तो चुन ही लिया होगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड हो गया मतलब, है ना, फोर्थ वाला लेते हैं। ये जो है ये आपका लेंस है। अब आपने क्या किया, 2f और f के बीच में यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब ये रेज हो गई आपकी पैरेलल, और कहां से पास हो जाएंगे, फोकस से पास हो जाएंगे, सिंपल है भाई, यहां जाएगा तो जाएगा कहां, पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये यहाँ से इधर की तरफ जाए, तो ये बहुत दूर जाके मिलेंगी, यहाँ पर एनलार्ज्ड बनेगा, ठीक है, पहली बार जिंदगी में क्या बनेगा, एनलार्ज्ड बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये आप यहाँ पर साथ में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी भी है। ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा ए डैश बी डैश यहाँ पर बन जाए, ओके चलिए बढ़िया। अब यहां पर जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है, वो हम यहां पर देख लेते हैं। अगर कोई F पर ही है तो पैरेलल हो जाएगी रेस, है ना, अगर कोई F पर ही है ऑब्जेक्ट तो ये यहां से इधर, ये इधर, ये रेस आपकी पैरेलल हो जाएगी, यानी कहां जाएगी, इंफिनिटी पे जाएगी, वेरी एनलार्ज्ड, वेरी एनलार्ज्ड। और उसको रियल बोलो इमेजिनरी बोलो, मिल तो वैसे भी नहीं पाएंगे, तो इसमें कोई पूछता ही नहीं कि रियल बनती है कि आपकी वर्चुअल बनती है, तो बस वेरी इनलार्ज बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, ये चीज़ हमको पता लगे। अब एफ के अंदर पहुंच जाते हैं, है ना, अगर एफ के अंदर पहुंच जाते हैं, आपको शायद कॉनकेव मिरर की याद आ रही होगी, सर ये बिल्कुल कॉनकेव मिरर जैसा लग रहा था, बस इसके अंदर लेंस में क्या होता है, इमेजेस इधर दूसरी साइड पे बनती है, मिरर के अंदर क्या होता है, हमेशा रियल इमेज उसी साइड पे बनती है, वर्चुअल इमेज पीछे बनती है ना।
अब यहाँ पर आप देखना सिक्स पॉइंट जो कि है ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर मिलेगा आपको F के अंदर पोल और F के बीच में ना ये पोल और F के बीच में यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पर यहाँ से रे जाएंगे पैरेलल और ये यहाँ से कहाँ से गुजर जाएंगे फोकस से गुजर जाएंगे ठीक है यहाँ से रे जाएंगे पैरेलल और फोकस से गुजर जाएंगे और ये पोल से गुजर जाएंगे तो अभी देखते हो कि ये रेज तो मिल ही नहीं पाएंगे पीछे लेना पड़ेगा ना पीछे लेना पड़ेगा इधर तो ये क्या है सर ये तो एनलार्ज्ड है बड़ी है बिल्कुल सही है एनलार्ज्ड है और सर वर्चुअल है क्योंकि ये रियल में तो मिल ही नहीं पाई थी इमेजेस बिल्कुल सही है ठीक है और क्या बोल सकते हैं अपन इरेक्ट है ना जैसा ये रखा हुआ है वैसा का वैसा यही है यानी कि इरेक्ट इमेज भी हम इसको बोल सकते हैं नोट कर लो ये इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू द कॉन्वेक्स लेंस है ना दिस इज द इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू द कॉन्वेक्स लेंस आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और बड़ी आसानी से आप इसको नोट भी कर रहे होंगे चलिए अब हम कॉनकेव के बारे में बात कर लेते हैं डाइवर्जिंग के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं राइट चलिए तो डाइवर्जिंग के क्या है ज्यादा केसेस नहीं है डाइवर्जिंग के ज्यादा केसेस नहीं डाइवर्जिंग लेंस बोले या फिर हम अधिकतर डाइवर्जिंग लेंस को कॉनकेव लेंस ही बोल देते हैं क्योंकि आसपास का मीडियम हम रेरर रखते हैं और जब आसपास का मीडियम रेरर होता है तो जो आपका कॉनकेव होता है ना ये डाइवर्जिंग ही होता है सच में ठीक है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इन्फिनिटी से और पोल के बीच में एक ही केस बनता है बहुत ही बढ़िया रेज अगर पैरेलल आती हैं तो ये उनको डाइवर्ज कर देता है अब पर एक्चुअली क्या होता है दोनों तरफ डाइवर्ज करता है ठीक है यहाँ से भी डाइवर्ज करता है और यहाँ से भी डाइवर्ज करता है तो उसी तरीके से अपन सही डायग्राम ही बनाएं तो बेटर रहेगा ना तो यहाँ से भी डाइवर्ज और यहाँ से भी डाइवर्ज फाइनली इधर की तरफ है ना फाइनली इधर की तरफ फोकस जो होता है ये वर्चुअल फोकस होता है ठीक है ये आपका वर्चुअल फोकस होता है इफ रेज आर कमिंग पैरेलल तो ये इधर की तरफ चली जाती है इन्फिनिटी से अगर हो तो और इन्फिनिटी और हम बोल सकते हैं कि ठीक है ये तो एट इन्फिनिटी वाला ले लिया हमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर कोई हो है ना इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई हो यहां पर हो ठीक है तो ये रेज आपकी इधर से इधर चली जाएगी है ना ऐसा मान लेते हैं और ये पोल से इधर चली जाती है तो वापस से पीछे लाना पड़ता है इधर की तरफ आपकी इमेज बनती है और वो है डिमिनिश्ड इमेज सबको नजर आ रहा है छोटी इमेज है सर छोटी इमेज है बिल्कुल और क्या हम बोल सकते हैं सर इरेक्ट दिख रही है सीधी की सीधी दिख रही है उल्टी नहीं हुई है और वर्चुअल है सर है ना इधर की तरफ नहीं है वी कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव आया ना तो ये है आपका वर्चुअल तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा हो तो मैंने बोला था कि वी वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आती है तो वो वर्चुअल होता है बिल्कुल इसके अंदर यू तो नेगेटिव है इसे वो तो रियल ऑब्जेक्ट के सामने बैठा होगा इसलिए पर वी आगे नहीं बन रहा है ना आगे मिल नहीं रही है बल्कि ये और रेज जो है इनको पीछे लाना पड़ रहा है ना समझ लो मेरी बात तो पीछे लाते हुए हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी क्या बनेगी पीछे लाना पड़ा ना उसको वर्चुअल बनेगी राइट रियल में नहीं मिल पा रही तो ये जो केसेस हैं ये कॉनकेव के हैं ठीक है और ये रियल ऑब्जेक्ट के ही पूछे जाते हैं लेंस के अंदर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के नहीं पूछे जाते अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के पूछे जाएंगे तो बस एक स्टेटमेंट आप याद रखना कि ये जो बंदा है कौन है कॉनकेव है ये वर्चुअल का वर्चुअल इमेज बना सकता है ठीक है ये वर्चुअल का वर्चुअल इमेज बना सकता है पर रियल का रियल इमेज नहीं बना सकता ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना सकता है पर रियल ऑब्जेक्ट का रियल नहीं बना सकता कौन कॉनकेव ठीक है दिस इज फॉर कॉनकेव ये नोट कर लो आप है ना इंपॉर्टेंट चीज है इवन डायरेक्टली यही चीज पूछी जा सकती है नीट में तो आपकी थ्योरी भी आती है ना नीट के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं सिंपल सी बात है ना और अगर हम यहां बात करें कॉनवेक्स के बारे में बात कर लेते हैं है ना कॉनवेक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो कॉन्वेक्स में रियल की रियल बन सकती है रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है लेकिन वर्चुअल की वर्चुअल नहीं बन सकती ठीक है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बन सकती ये बन सकती है ठीक है चीज नोट कर लेना और यहां पर आपके कमेंट्स देख लेते हैं अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो
नोट कर लिया, ठीक है, श्रुति ने नोट कर लिया, निहारिका ने, ओके, काजल, बिलाल खान यहाँ पर हेलो बोल रहे हैं, हेलो बिलाल, हाउ आर यू, ठीक है, वेदांत गुप्ता बोल रहे हैं कि मज़ा आ रहा है, मतलब कि उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। सिंपल सी बात क्या होती है, फिजिक्स के अंदर कई बार होता है कि सर ये तो बड़ा लंबा खींच गया, कभी हो सकता है कि सर ये सारी चीज़ें आती हैं थोड़ी बोरिंग हो रही है वो, जब आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें, बारीक चीज़ें मैं ध्यान रखूंगा, और फिर वो टेस्ट में आती हैं और टेस्ट में सही हो जाती हैं, उससे हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ना, उससे हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। भरत कोतवानी को भी चीज़ें समझ में आ गई हैं, आगे बढ़ाते हैं फटाफट। ये चीज़ आप नोट कर लेना है ना, ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, डायरेक्टली आपकी आ सकती है थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर। चलिए, तो ये सब पढ़ने के बाद कहीं हमको न्यूमेरिकल्स नहीं करनी चाहिए, एग्जाम्पल्स नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। देखते हैं कि ये एग्जाम्पल हम कितनी जल्दी कर पाते हैं ना, कितनी और तरीके से समझ भी पाते हैं। एंड एक्सटेंडेड रियल ऑब्जेक्ट ही दे रखा है, मैंने बोला था आपको कि अधिकतर क्वेश्चन रियल ऑब्जेक्ट के आते हैं। साइज उसकी 2 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, और फोकल लेंथ 20, अगर कोई कन्वर्जिंग होता है तो प्लस 20 ही फोकल लेंथ ली जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की यहाँ पर डिस्टेंस भी हमको दे रखी है, यानी कि कन्वर्जिंग हम मान लेते हैं कि एक बार को वो कॉन्वेक्स है, लेकिन कन्वर्जिंग आपका कॉन्केव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट, लेकिन हम यहाँ पर अधिकतर यही मानकर चलते हैं कि कॉन्वेक्स ही यहाँ पर होगा। एफ की वैल्यू यहाँ पर 20 है, सॉरी, है ना, 20 सेंटीमीटर है, और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, है ना, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमको कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर के बराबर, राइट, और इसकी जो साइज है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हमारा 2 सेंटीमीटर के बराबर हमको दे रखा है। यहाँ से रेज जाएंगी और फिर उसके बाद आपका वी कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। ये हमसे लेटरल मैग्निफिकेशन मांग रहे हैं, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या याद आएगा, V by U तो आएगी सी, लेकिन F अपॉन F प्लस U भी याद कर लो, काफ़ी फायदे का यहाँ पर हमारा सौदा हो जाता है। और F की वैल्यू हमको पहले से पता है 20 के बराबर, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, राइट, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कितना हो गया, सर ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 50, इज इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2/5। तो मैग्निफिकेशन निकाला जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और m की वैल्यू क्या होती है, सर m की वैल्यू तो v बाई यू भी तो है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ से v भी मिल जाएगा, है ना, कितना बढ़िया, 2/5, और u की जो वैल्यू आएगी वो 30 मत ले लेना, -30, है ना, यहाँ पर जल्दबाजी में गलती मत कर देना, रेज यहाँ से जा रही है पर ये पोल के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे -30, ये कटेगा 5 से, इसको काट देंगे अपन 6 बार, -6 × 2, तो v की वैल्यू -12, ये v की वैल्यू -12 अपन कहाँ से ला सकते थे, इस तरीके से ला सकते थे कि 1/v -1/u, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/v -1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, इस तरीके से लिखी जा सकती थी। f की वैल्यू कितनी लेनी थी सर, 20 सेंटीमीटर लेनी थी, ले लो भाई 20 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू कितनी लेनी थी सर, ये डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर माइनस साइन के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाए, 1/v यहाँ पर मौजूद है, ये 1/30 इधर चला जाए, ठीक है, तो 1/20 -1/30 कितना हो गया है, यहाँ पर टोटल मिलाकर आपका हो गया है 60, राइट, तो यहाँ पर तो v की वैल्यू 60 आ रही है, इधर की तरफ हमने f की वैल्यू, अच्छा u की वैल्यू -30 लेनी थी ना, ठीक है, U की वैल्यू यहां पर -30 लेनी थी, तो मैग्निफिकेशन का आंसर हमको चेंज करना है, ले लो भाई, ठीक है, तो F की वैल्यू तो 20 है, ये बात तो सही है, U की वैल्यू -30, तो -20/10 ऐसा आ जाएगा ना, 2 आएगा ना, M की वैल्यू तो -2 आई है, और इसको हम लिख देंगे M इज इक्वल्स टू वी बाई यू, है ना, वी बाई यू इज इक्वल्स टू -2, अब v की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि u की वैल्यू हमको पता है, u की वैल्यू -30 थी, तो v की वैल्यू हो जाएगी +60, राइट, चलिए, तो यहाँ पर भी आपकी 60 ही आएगी v की वैल्यू, यहाँ से भी और वहाँ से भी, दोनों तरफ से ले सकते हो, ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। और हाइट ऑफ द इमेज पूछ ली, अब हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन कितना आया, -2 आया, आया नहीं आया, अरे आ गया, HI / HO,
ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, माइनस टू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज हमको चाहिए और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू माइनस 4 सेंटीमीटर, माइनस 4 ये बता रहे कि इन्वर्टेड होगी, बस इतनी सी बात है, राइट। तो ये आपकी इन्वर्टेड होगी, वो तो अपन को m की वैल्यू से भी पता लग रहा है, यस और नो, यस, m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, राइट। और क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, फाइंड द चेंज इन लेटरल मैग्निफिकेशन इफ द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द लेंस बाय 1 mm अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो इसके अंदर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि इन्होंने यू में चेंजेस करा और ये मैग्निफिकेशन में चेंजेस चाह रहे हैं, तो m की वैल्यू तो f अपॉन f प्लस u से दी जा सकती है। अब ये u में चेंजेस कर रहे हैं तो हमको m निकालना है, तो क्यों ना इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि u की वैल्यू काफ़ी छोटी नज़र आ रही है, राइट। इधर देखो, कितने से चेंज किया, सर बहुत ही छोटे से चेंज किया है सर, 1 mm तो काफ़ी कम है, बिल्कुल सही बात, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये एक यूनिक क्वेश्चन है और ये एम्स के लिए पूछा जा सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीट के क्वेश्चन हो चुके हैं, शुरुआत के 2 क्वेश्चन नीट के थे भाई, और ये क्वेश्चन एम्स लेवल का है। इसके अंदर जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये एफ, नीचे जो एफ प्लस यू है उसको माइनस 1/f + u का होल स्क्वायर करके लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कभी आपसे पूछ लूँ कि 1/x + 1 का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, बोलो 1/x + 1 का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, तो आप सबसे पहले इसको क्या लिखोगे, सर ये x प्लस 1 की पावर माइनस 1 लिख दूंगा पहले तो मैं, अब पावर चेन रूल लगेगा, राइट, dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा नीचे, है ना, और x प्लस 1 की होल पावर माइनस 2 हो जाएगी, उसमें से एक पावर और माइनस करते हैं और वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/x + 1 का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग द पॉइंट, वही चीज मैंने यहां पर करी है, नीचे f प्लस यू जैसा है, ठीक है, अब उसके अंदर हम यहां पर काम करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं 1/f + u का, तो माइनस 1/f + u का होल स्क्वायर बन जाता है बिल्कुल इसी तरीके से, ओके, इनटू भी किया हुआ है ना, चेन रूल जो होता है इनटू भी किया हुआ है, तो f प्लस यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, और u का डिफरेंशिएशन 1 हो गया क्योंकि u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए पहले बोल दिया आपको कि एम्स लेवल का क्वेश्चन, अगर आपका एम्स टारगेट है तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपने बेसिक मैथ्स भी अच्छे से पढ़ी होगी भैया, एम्स वालों के लिए बेसिक मैथ्स अच्छे से आनी चाहिए, राइट, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी जाकर हम बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल उसमें बढ़ जाता है, राइट, बस इतनी सी बात है। अब डी यू की वैल्यू हमको पता है, इसको इधर लेकर चले जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी एम की वैल्यू आपकी माइनस एफ अपॉन एफ प्लस यू का होल स्क्वायर इनटू डी यू, इस तरीके से हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस, समझ में आ चुका है आपको, तो बस डी यू की वैल्यू डालनी है, एफ की वैल्यू डालनी है, यू की वैल्यू सब साइन के साथ डालनी है, ये 20 है, ये भी 20 है, ये माइनस 30 है, ये डी यू की वैल्यू 1 mm है, तो इससे हमको आंसर्स मिल जाएंगे, नोट कर लो। राइट, चलिए नोट कर लिया। अब हमको जो आज सीखना है, कुछ नया आज जो हमको सीखना था वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं, यस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, यानी कि चिपक चिपक कर अगर हमने लेंसेज को रख दिया तो उनका एफ इक्विवेलेंट हमको निकालना पड़ेगा। बचपन में भी आपने देखा होगा कि यस सर, 1/f equivalent इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ऐसे और भी लेंसेज होंगे जो आपने साथ में चिपका दिए होंगे, यस, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इवन प्लेनो कॉन्वेक्स यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो कॉनकेव, किसी भी तरह के लेंसेज होते हैं, यहाँ पर f1 होगा, इसका कोई f2 हो सकता है, इसका कोई f3 होगा, एंड सो ऑन, पर साथ में रखना है, ठीक है, इनके बीच में कोई गैप नहीं रखना। अगर इनके बीच में कोई गैप रखते हैं तो एम्स के लिए एक और क्वेश्चन बनता है, अगर आप उसके बीच में छोटा सा गैप रखते हैं, जैसे दो लेंस के बीच में, एक लेंस इधर है और एक लेंस इधर है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इनके बीच में डी
छोटा गैप है, बड़ा गैप नहीं है। अगर बड़ा गैप होगा तो आप क्या करोगे, दो बार यहाँ पर 1/v-1/u = 1/f लगा दोगे, सिंपल सी बात, एक बार इससे और एक बार इससे। लेकिन काफ़ी छोटा गैप है, MMs वगैरह के अंदर यहाँ पर गैप है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस तरीके का f इक्विवेलेंट आपका आता है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लेना, ओके। और ये F1, F2, F3 जो होंगे ये विद साइन रखने होते हैं। क्या रखने होते हैं? विद साइन, यानी कि आपको एक दिया कन्वर्जिंग 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, समझ रहे हो, एक दिया कन्वर्जिंग 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, तो आपको F पॉजिटिव ही लेना है उसका, ठीक है, प्लस के साथ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लेना है। एक दिया आपको डाइवर्जिंग लेंस जो कि 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, तो 10 मत ले लेना, -10, क्योंकि डाइवर्जिंग है तो हम यहाँ पर इधर की तरफ -10 लेंगे, एंड सो ऑन, जितने भी लेंसेज यहाँ पर आपके कंबाइन हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज 1/F जो है, ये कैपिटल F आपका F इक्विवेलेंट से ही मैं बता रहा हूँ। अब ऐसे में आपकी पावर भी आती है ना, पावर भी डिफाइंड होती है, तो पावर ऑफ अ लेंस किस तरीके से डिफाइंड होती है, अधिकतर तो लोगों को पता होता है कि सर पावर को हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसकी वैल्यू 1/F होती है, और इसकी ऐसा यूनिट, अगर F को आप मीटर में लिखते हो तो इसकी जो ऐसा यूनिट बनती है वो ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स बनती है, और इसको हम डायप्टर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, डायप्टर बोल देते हैं, सिंपल सी बात है, मीटर इनवर्स को डायप्टर बोल देते हैं। तो ये कैसे P इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो 1/F equivalent = 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस समथिंग समथिंग इस तरीके से, और 1/F equivalent को P इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली डेफिनेशन के अंदर दे रखा है। यानी पावर्स लगातार जुड़ती चली जाती है, पावर्स लगातार जुड़ती चली जाती है अगर लेंस को एक से एक चिपकाते चले जाओगे, तो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड बाय दिस। ये चीज़ आप नोट कर लें, काफ़ी आसान भी है और पुरानी चीज़ें याद भी आ गई हैं। अब हम एग्जांपल्स करेंगे, है ना, अब हम इसमें एग्जांपल्स करने वाले, राइट, सब लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है। ईशांत मिश्रा हमसे बात करना चाह रहे थे, ईशांत हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप, और बिलाल खान हमसे बात कर रहे हैं, वो हम भी हमारा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि कैसे हैं हम, तो हम बढ़िया चल रहे हैं भैया। और अतुल रहमान को जो चीज़ क्लियर नहीं हुई है, निहारिका को जो चीज़ क्लियर नहीं हुई है वो आप यहाँ पर, ठीक है, कौन सा पार्ट क्लियर नहीं हुआ था भाई, कौन सा पार्ट क्लियर नहीं हुआ था, इधर सब इजी तो था, उधर इजी था, है ना, ठीक है, कोई लेंस का एक बार फिर से देख लेना वीडियो, एक बार फिर से देख लेना वीडियो, क्लियर हो जाएगा, ओके, सेम चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये देख सकते हो आप, हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि फोकल लेंथ इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी है -20 सेंटीमीटर, यहाँ पर फोकल लेंथ दे रखी है, पहले से फोकल लेंथ दे दी। एक का नाम वैसे देखा जाए तो बाई कॉन्वेक्स है, है ना, एक का नाम देखा जाए तो बाई कॉन्वेक्स है, और इसका नाम अगर देखा जाए तो बाई कॉनकेव नहीं है, प्लेनो कॉनकेव है, राइट, क्योंकि इसकी शक्ल देखो ऐसी है, और इसकी कैसी है, ऐसी चिपका के रखा हुआ है, बीच में कोई दूरी मौजूद नहीं है, और यहां पर u की वैल्यू हमको दे रखी है, तो ऑब्वियसली हमको फाइनल इमेज कब मिलेगी, जब हमको f इक्विवेलेंट मिलेगा। वी कैन अप्लाई 1/v-1/u = 1/F equivalent। अब ये 1/F equivalent हमको मिलना बहुत जरूरी है, 1/F equivalent बड़ा ही आसान है, 1/F1 + 1/F2। भले लोग हैं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की जगह पे पूरा पूरा दे रखा है कि इसका प्लस लेना उसका माइनस लेना, तो बड़ी आसानी से 1/10 cm प्लस 1/-20 cm एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, सॉरी 20 का एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका +1, ठीक है भाई, तो 1/F equivalent कितना हो जाएगा, -1/20, है ना, ये हो जाएगा आपका -1/20, ये हो जाएगा 1/v-1/u, यू की वैल्यू 10 मत ले लेना, -10, माइनस से माइनस कैंसिल, अब तो होशियार बनी चुके हो,
है ना, सिंपल सी बात है। अब तो होशियार बनी चुके हैं सर, अब तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, ठीक है। इधर से रेज जाती है और पोल से लेफ्ट में बैठा होता है, तो सिंपल सी बात है नेगेटिव लेना है। 1/10 इधर ले लेते हैं, है ना। तो 1/V इज इक्वल्स टू कितना, -1/20 है। नहीं, एक बार चेक कर लेना, -1/20 की +1/20 है, बिल्कुल माइनस ही होगा, है ना। इधर 20 है, एक मिनट को, +2 -1 होगा, सॉरी, है ना, +2 -1 होगा, तो 1/20 होगा ना, इसलिए चेक करने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये +1/20 है, इधर लेकर जाएंगे तो -1/10 इधर आ गया, है ना। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 1 times, उसमें तो है ही सही -2 और ये 1/V, तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो गया भाई, -20 के बराबर। है ना, 1/V -1/U लिया हमने, इधर से माइनस माइनस तो कट गया, इधर की तरफ लेंगे तो वो 1/10 नेगेटिव में आ जाएगा, और फोकल लेंथ हमने जो देखा 1/F वो 1/20 के बराबर आ गया। बड़ी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया ना, काफ़ी हमको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने नहीं दिए। वैसे इसका कॉम्बिनेशन बिहेव कैसा करेगा, इसका कॉम्बिनेशन बिहेव कैसा करेगा सर, इसका जो पूरा कॉम्बिनेशन आया था वो लेंस की तरह ही बिहेव करेगा, पर वो इक्विवेलेंट लेंस होगा। क्या बोलेंगे उसको, इक्विवेलेंट लेंस। और उसका एफ इक्विवेलेंट कितना आया था, तो आपने देखा था कि 1/F इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/20 आई थी प्लस में, यानी कि एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू 20 आई है, तो ये एक प्लस साइन के साथ है ना, तो कन्वर्जिंग लेंस बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना कि कौन सा लेंस बनेगा, कन्वर्जिंग लेंस बनेगा, क्योंकि फोकल लेंथ क्या आई है, पॉजिटिव। तो इसको एक कन्वर्जिंग लेंस जैसा आप मान लोगे, फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है, उसके अंदर ही था ना ऑब्जेक्ट, देखो 10 सेंटीमीटर भी था, तो पक्की बात है कि वर्चुअल इमेज बनेगी। यस, वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज बनी भी सही, बिल्कुल वर्चुअल इमेज बनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं V की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आई है, V की वैल्यू नेगेटिव आई है फाइनल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? यस, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम। तीन लेंस हैं, तीन लेंस आपस में चिपके हुए हैं, आसपास का मीडियम नहीं दिया हुआ, तो क्या लेंगे, एयर और एयर ले लेंगे, ठीक है। अब इन तीनों लेंसेस को हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि सर ये 3/2 है, मान लिया इसके लेफ्ट हैंड साइड पर एयर है और इसके राइट हैंड साइड पर 6/5 है, तो मैं क्या करूं इसके अंदर। अगर मैं फोकल लेंथ लिखता भी हूं एक की, लेंस मेकर फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो एन रिलेटिव कैसे लिखूं, 1/R1 -1/R2 इस तरह से लिख देंगे। एन रिलेटिव कैसे लिखूं, एन रिलेटिव तो होता है एन ऑफ द लेंस अपॉन एन ऑफ द सराउंडिंग, तो सराउंडिंग कौन सा लूं, एयर लूं कि 6/5 लूं कि इसको दो बार लगाना है, ऐसे में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। और ये सोचो, ये दुविधा आपकी अगर मेन एग्जाम में आ जाए, मेन टेस्ट में आ जाए, तो फिर कितना दिमाग खराब हो कि सर या तो हमको तो पूरा पढ़ा ही नहीं जाता, तो हम आपको पूरा पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इनको पहले अलग थलग कर लिया करो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, ठीक है, और इसको अलग कर लो, क्योंकि जब इनको चिपकाते हैं तो बीच में एयर ट्रैप तो होती ही होगी, राइट। ये कैसे आप समझ सकते हो, मान लेते हैं कि मैं अपने हाथ चिपका दूंगा तो क्या बीच में एयर गैप नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यस। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि यहां पर सराउंडिंग मीडियम, अगर यहां पर पानी होता ना, यहां पर पानी होता, समझ रहे हो, तो यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स बीच में ट्रैप होते जरूर। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर फिर वाटर 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 के हिसाब से, आसपास के मीडियम के हिसाब से काम होता है, राइट। ये चीज़ आप याद रखोगे ना, बस अब तो इजी हो गया सर। अब तो 1/F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 3/2 -1, और बाई कॉन्वेक्स में तो दोनों टर्म पॉजिटिव होते हैं, और वो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दोनों दे रखे हैं, तो हम इसको लिख देंगे 2/10 सेंटीमीटर के बराबर। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। 1/F2 आ रही है, नहीं आ रही, हाँ या ना बोलो। ठीक है, अतुल रहमान हमसे पूछ रहे हैं कि सर आई एम न्यू, ऑल प्रीवियस ऑप्टिक्स के कहाँ मिलेंगे, तो आप सर्च कर लो, ठीक है, आप सर्च कर लो रोहित मालव ऑप्टिक्स अनअकैडमी, है ना, इस तरीके से बात करोगे, सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इसका शॉर्टकट बताएं, किसका शॉर्टकट बताएं,
इस चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है, इस चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये खुद में शॉर्टकट है यार। इसके अंदर मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगता। 1/f2 को क्या लिखोगे आप, बोलो क्या लिखोगे सर? 6/5-1, तो उसको दिमाग में सॉल्व कर लो। 6/5-1 कितना होगा? 1/5 होगा, है ना? तो 1/5 लिख दो, ठीक है। कौन सा है ये सर? ये बाइकॉनकेव है। बाइकॉनकेव में दोनों नेगेटिव होते हैं। ये एक 10 सेंटीमीटर है और एक 20 है, तो -1/10 -1/20 दोनों टर्म नेगेटिव होते हैं। हो गया शॉर्टकट। 1/f3 जो थर्ड वाला है वो 8/5 है। अब 8/5 -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/5, राइट। और अगर हम इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें तो दोनों के दोनों 20 हैं, तो 2/20 ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको बताया लेंसेज के बारे में, बाई कॉन्वेक्स के बारे में, बाई कॉन्केव के बारे में, ठीक है। अब ये 1/f1 की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 1/2, 2 से 2 कटेगा, 1/10, यस, ठीक है। इधर आप देख सकते हो यहाँ पर कितना एलसीएम हो जाएगा सर? 20, ऊपर की तरफ -3, और 20 को 5 से करेंगे तो -3/100, राइट। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन सर? ऊपर ये ज़्यादा से ज़्यादा ये काट सकते हो सर, 3/50 हो जाएगा सर, प्लस साइन के साथ, ये प्लस साइन के साथ। अब इन सबको जोड़ देंगे तो अपन को फोकल लेंथ मिल जाएगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब इतना तो कर ही सकते हैं कि 1/f इक्विवेलेंट को लिखेंगे 1/f1 + 1/f2। इनको मैंने उल्टा क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसे के ऐसे ही जुड़ जाएंगे। 1/f equivalent = 1/10 - 3/100, और क्या बोल सकते हैं? +3/50, ऐसे ही था ना। बस एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे आपका 100 का, ये हो जाएगा आपका 10 times, ये हम बोल सकते हैं कि -3, और ये 2 times करेंगे तो +6 हो गया, ठीक है भाई। 1/f equivalent, अब ये f equivalent की वैल्यू आप देख लो, 100/-3 से इसको काटेंगे तो 3 बार, ये 3 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक। 100/13 f equivalent बन गया। इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर भी देख लो, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस तो देख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर भी देख लो। लेंस और मिरर का भी साथ में कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखो इधर एक ये लेंस है, ये एक मिरर है, यहाँ पर ये किसी ना किसी के इक्विवेलेंट बन जाएंगे, और वो मिरर के ही इक्विवेलेंट बनते हैं। ऐसा क्यों है सर? लेंस और लेंस मिलकर लेंस बनते हैं, तो हम यहाँ पर लेंस वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। लेकिन अगर लेंस और मिरर को मिलाओगे तो उसका इक्विवेलेंट एक मिरर ही कहलाएगा। ऐसा क्यों है? अगर रेज यहाँ से आएगी, यहाँ से इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, पर यहाँ से टकरा कर आएगी तो वापस इधर ही ना, कभी भी उधर की तरफ नहीं जा सकती। और आपके लेंसेज में क्या होती है, रेज हमेशा दूसरे की तरफ चली जाती है। लेंस भले ऐसा हो, रेज ऐसे आती है पर जाती उधर है, वापस इधर नहीं लौटती। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मिरर उसको वापस से भेज रहा है इधर की तरफ। तो सिंपल सी बात है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये एक मिरर बनेगा, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है एक मिरर बनेगा, ये यहाँ पर जो आपके लेंसेज दे रखे हैं इनको कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, और एक लेंस बना देंगे। जिस तरह से अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 1/f equivalent है ना, ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, f equivalent का 1/fm - 2/fl। तो ये जो आपको दिख रहा है -2/fl, ये -2 times of 1/fl आप मान लो, क्या मान लो? -2 times of 1/fl, और 1/f of the lens, है ना। f of the lens क्या हो जाता है सर? इक्विवेलेंट 1/f1 + 1/f2, मतलब सम्मेशन करना होता है। बहुत सारे भी हो सकते हैं, 3-4 लेंसेज भी हो सकते थे, तो ये यहाँ पर अपन ने वैसे लिख दिया। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ओके, तो ये जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला है ये काफ़ी कम काम आता है, नीट में तो कभी भी काम नहीं आया, हो सकता है काम में नहीं आए, लेकिन बिल्कुल एम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये ऐसा कर सकते हैं कि लेंस और मिरर सबको कंबाइन कर लें। हम कल के लेक्चर के अंदर यही करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो उस तरह से हम लेंगे। तो अब जो आगे के 2 lectures आपके रे ऑप्टिक्स के बचे हुए हैं, यस, उसमें हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाले हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्टअप हो जाएगा आप लोगों का, इस तरह से हम काम करेंगे, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर एक लेंस प्लस मिरर को आप कंबाइन करते हैं तो एक मिरर बनता है इक्विवेलेंट, जिसका f equivalent 1/f equivalent कितना आता है?
1/FL था कि FM था? अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। 1/ मिरर पहले पड़ा था या लेंस पहले पड़ा था? रे ऑप्टिक्स का सोचो। हाँ सर, रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले प्लेन मिरर आया था, कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर आया था, फिर लेंस आया था, बिल्कुल सही। तो पहले पड़ा था यानी वन, पहले पड़ा था मिरर 1/FM माइनस, फिर सेकेंड टाइम में पड़ा था, दूसरी बार हमने पढ़ा था लेंस। देखो ईजी हो गया, वन टाइम में हमने फोकल, जो आपका फोकल लेंथ है वो मिरर का लेना है। पहले हमने मिरर पढ़ा, फिर दूसरी बार में हमने लेंस पढ़ा। इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि हम गलती ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते थे कि टू इधर लगा दिया या टू उधर लगा दिया, पता नहीं। अब टू के नीचे FM लगा दिया या फिर FM जो है उसको अकेला रखा और उसका माइनस साइन के साथ लिख दिया, यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन अब हमने इसका एक स्ट्रक्चर बना लिया दिमाग के अंदर कि पहले यानी वन में हमने, पहला मतलब वन होता है ना, ठीक है। तो पहला यानी कि वन, वन में हमने मिरर कंप्लीट किया था, बीच में माइनस आएगा, बस इसका ध्यान रख लेना यार, ठीक है, प्लस नहीं आएगा। और सेकंड बार में हमने फिर लेंस पढ़ा था, बाद में हम लेंस में पढ़ा था, इस तरह से हम याद रख लेंगे इसको। ओके, तो आज हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, किस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब आप ये देखें कि ये यहाँ पर एक लेंस दे रखा है और यहाँ पर एक मिरर दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, फाइनल पोजीशन हमसे पूछ ली। अगर आपको ये यहाँ पर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो पता है कितनी मुश्किल होगी आपको। यहाँ से पहले रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा, 1/V - 1/U = 1/F। फिर उसके बाद इसके लिए जो कोऑर्डिनेट बनेगा ऑब्जेक्ट का, उसके ऊपर इमेज का आपका कोऑर्डिनेट आपको लेना पड़ेगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यानी कि 1/V + 1/U = 1/F, मिरर फॉर्मूला, और फिर से लेंस फॉर्मूला, यानी कि लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, फिर से लेंस फॉर्मूला, तब जाके। ऐसा नहीं करना है, राइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी जगह पर हम एक इक्विवेलेंट मिरर मानेंगे। क्या मानेंगे? इक्विवेलेंट मिरर। और इक्विवेलेंट मिरर मानेंगे तो बाद में फॉर्मूला भी मिरर फॉर्मूला लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। क्या? 1/V + 1/U = 1/FEq। दोनों का F हमको दे रखा है, हम बड़ी आसानी से 1/FEq ले लेंगे। 1/ बताओ क्या आया था सर? अब तो याद ही रहेगा, FM है ना, और F ऑफ द मिरर हम यहाँ पर ले सकते हैं 10 के बराबर, कॉन्वेक्स मिरर है ना, माइनस 2/FL हम यहाँ पर 10 ले सकते हैं इस तरह से। तो ये 1 - 2 यानी कि 1/FEq = -1/10। एफ इक्वलेंट की वैल्यू अगर देखी जाए तो -10, यानी कि सर ये तो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, इतना भी पूछा जा सकता है। यस, द कॉम्बिनेशन, द अबाव कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक, बिहेव्स लाइक कॉनकेव, है ना, मिरर। अब यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/V + 1/U प्लस आएगा ना, मिरर फॉर्मूला आएगा, ये चीज आप ध्यान रखना, मिरर फॉर्मूला आएगा। U की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, -20 cm = 1/F, ठीक है, 1/F, F कितना आया था, -10। इसको उठा के इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा, राइट, ओके, वेरी गुड। 1/20 प्लस में हो गया, -1/10, एलसीएम ले लिया 20 के बराबर, इसके पास सब कुछ है, इसके पास 2 नहीं है, और ये 1/V, और V की वैल्यू आ गई -20 cm के बराबर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? काफ़ी ईजी है, वो ईजी इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को इसका कॉम्बिनेशन पता था, और ये नीट में नहीं आया है अभी तक, अगर आ जाता है तो हम टैकल कर लेते हैं, पर ये एम्स लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये एम्स के सिलेबस में आता है ऐसा मान लो, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि नीट के अंदर एनसीईआरटी का सिलेबस आता है, एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता है, ठीक है, कुछ भी आता होगा, थोड़ी बहुत थ्योरी आती होगी, वो तो हम अपने नोट्स में ही कवर अप कर लेते हैं, राइट। इसीलिए कई लोग हैं ना, कल काफ़ी मैसेजेस भी आए थे मेरे को, कुछ बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स के, कि सर एनसीईआरटी जो फिजिक्स की, उसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है क्या? तो मैं उनको ये जवाब दिया कि एनसीईआरटी एंड में पढ़ लेना क्या क्या दे रखा है, और अभी भी अगर आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो बस ऊपर से देखते हो, कि ऊपर से ओवरव्यू लेते हो कि क्या क्या है, बस उसको, कुछ नया मिलता है उसको अलग से एक कॉपी में लिख लो। ये एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका हुआ, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, कि कुछ चीज़ नहीं मिली तो उसको आपने एक कॉपी में बना ली, एनसीईआरटी कॉपी। अब फिर एनसीईआरटी को उस बोल सकते हैं चैप्टर को वापस पढ़ना ही नहीं है, ये बायो नहीं है, बायो के अंदर मैंने काफ़ी बायो के जो आपके जो
बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सक्सेस होते हुए देखा है, वो बायो के अंदर ये बोलते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतना एनसीईआरटी आप बायो के अंदर रिवाइज करो। एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो गया, 10 बार रिवाइज कर लो, दिमाग में घुस गया, बस खत्म। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे और जो क्वेश्चन नहीं हुए उसको भी नोट कर लो। देखो मेरा जो फंडा है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्लियर करने का, वो सिंपल सा एक ही फंडा है। वो क्या फंडा है? आप पढ़ रहे हो सब कुछ, आपको एक बार चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपको ये लगा कि आपको आ गया सब कुछ, लेकिन उसके फिर टेस्ट दो, उसके कोई क्विजेज हैं, और जब आप टेस्ट देते हो किसी का टेस्ट सीरीज के अंदर, उसमें बायो के जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उस क्वेश्चन को अलग से रख लो, जो आपसे नहीं हुए या जो आपको गलत हो गए, क्योंकि वो क्वेश्चंस अगर आ गए एग्जाम में तो दोबारा गलत होने नहीं चाहिए। और जो मैंने सही करे हैं पहली बार में, वो कभी भी मैं गलत करने वाला नहीं हूँ। तो कितना परसेंटेज एक्यूरेसी? 100% एक्यूरेसी अचीव की जा सकती है। बोर्ड पे बताऊँ किस तरीके से? ठीक है, ये आपको अपना होमवर्क ले लो, है ना, ये आप अपना होमवर्क ले लो। ठीक है, ये भी मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आप 100% एक्यूरेसी कैसे लेकर आते हो, है ना, 100% एक्यूरेसी कैसे लेकर आते हो। आप टेस्ट दोगे, सिंपल सी बात है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी, नहीं कर रखी अभी कर लो। अनअकैडमी प्लस की टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया है। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो तो साथ में आपके क्या होते हैं, लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं सारे के सारे टॉप टीचर्स के, उनके PDF नोट्स मिल जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, डाउट क्लियरेंस यहाँ पर होती है टाइम टू टाइम, टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर फ्री है आपकी सारे लाइव सेशन से, तो एनर्जी के साथ आप पढ़ भी लेते हो, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है ना। अकेले पढ़ते हो तो क्या होता है, कभी सो गए, कभी ढीले हो गए, कभी दिन किसी दिन हमने नहीं पढ़ाई करी, उससे रेगुलरिटी खो जाती है ना। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, अनअकैडमी प्लस की ज्वाइन करते हैं तो बढ़िया रहता है। और रोहित 10 का कोड लगा देना आप, है ना, कोई भी ऑप्शन आप चुनते हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 12 महीने का अगर आप देखोगे तो पर मंथ इतना कम कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ जाता है मेरे हिसाब से, तो वही आपको लेना चाहिए, उससे आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। सब पर रोहित 10 कोड आपका लग जाना है, ठीक है, सब पर आपका रोहित 10 कोड लग जाना है, इंस्टेंट 10% का आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोड वर्क करता है ना, ये कोड वर्क करता है, इसका ध्यान रखना। तो मैं ये बता रहा था कि एक्यूरेसी कैसे आएगी, 100% टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट दिया सर, टेस्ट दिया और प्रिपरेशन से दिया, मान के चलते हैं प्रिपरेशन से दिया, है ना। अगर आधे अधूरे मन से दोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है टेस्ट देने का, ठीक है। तो प्रिपरेशन के साथ देना है ना, कैजुअली नहीं देना। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप अपने टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट ही बिना प्रिपरेशन के देते हैं तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा, आप मुझे बताओ। जो अभी सिंसियर नहीं है तो फिर नीट के लिए कैसे हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि हमको टॉप 1% 2% के अंदर सीटें मिल जाएगी, इंडिया के अंदर हम टॉप 2% की हरकतें ही नहीं करोगे तो, है ना। तो आपको सेलेक्ट होना है अगर, तो आपको टॉप 2% टॉप 1% लोगों के ट्रेड्स मालूम होने चाहिए, वो क्या करते हैं, वो टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छे प्रिपरेशन से देते हैं। अब जब आप बायो का पेपर कर रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स का भी बताऊंगा, जब आप बायो का पेपर कर रहे हैं तो बायो के अंदर आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, ठीक है, आपके टोटल मिला के 90 क्वेश्चंस है, उसमें से आपने मान लेते हैं कि 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, बाकी 5 में भी अगर आपको नहीं आते थे आप करके आए हो फॉर एग्जाम्पल, और इसके अंदर से मान लेते हैं कि इस टेस्ट में आपके 10 गलत हो गए, भगवान ना करे 10 गलत हो जाए, फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी, सारे गणित बिगड़ जाएगी, लेकिन 10 गलत हो गए, तो ये जो 10 गलत होंगे इनको एक स्पेशल स्टेटस दो, इनको एक स्पेशल स्टेटस दो, इस कॉपी के अंदर लिखो। अगर सिली मिस्टेक है तो मत दो, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, और वही इन्फॉर्मेशन अगर नीट में आ गई तो इस तरीके से आपकी एक पोर्टफोलियो बन जाएगा क्वेश्चंस का। टोटल मिला के कितने होंगे, जो भी आप टेस्ट सीरीज दोगे उनमें से 10-10 क्वेश्चन आप यहाँ पर ले लो तो टोटल मिला के कितने होंगे भाई, 100-150-200 क्वेश्चन आप एक सेलेक्ट कर लोगे। और बायो के अंदर 200 क्वेश्चन पढ़ना तो मतलब नॉट अ बिग डील, क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है आपका, तो है ना। और सेम चीज़ आप फिजिक्स के साथ करो, फिजिक्स की आपने प्रिपरेशन करी, कई लोग तो आधी अधूरी प्रिपरेशन करके बैठते हैं फिजिक्स के टेस्ट के अंदर, ठीक है, तो उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं जितने बायो में कर पाते हैं। तो मान लेते हैं आपने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो जो आपने 10 नहीं करे वो पक्की बात है कि आपको नहीं आते थे, तो पहले तो वो सीखने, ठीक है, घर पे जाके अटेम्प्ट करो। उसमें से मान लेते हैं कि आपने 5-6 क्वेश्चन कर भी लिए, 4 क्वेश्चन नहीं आए, तो उनको एक स्पेशल स्टेटस दो, इसमें से भी आपने 5-6 क्वेश्चन गलत कर दिए, इधर से भी 5 निकाल लो, तो हो गए ना फिर से 10 क्वेश्चन कलेक्ट,
वो 10 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी के अंदर रख लो और उसको देखो किस तरीके से काम होता है। अपने टीचर से, जो कि मैं बात करूंगा कि अगर मुझसे आप डाउट्स पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे बहुत बढ़िया डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और मैं उसमें क्वेश्चंस ये ले सकता हूं, तो आपकी पूरी यहां पर मदद हो जाती है, आप ये सोच सकते हैं, राइट। तो हम यहां पर इस तरीके से एक फाइल बनाते हुए चलें और ये फाइल टोटल मिलाकर आपका काम बढ़िया करेगी। अब जैसे आज रात को आपके क्वेश्चंस होने हैं, ठीक है, 750 जो हम यहाँ पर टॉप 750 क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है, रात को 8 से 9 बजे जो हम यहाँ पर काम करने वाले हैं, उसमें से मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन जो मैं लेता हूँ उसमें से आपसे 3-4 क्वेश्चन नहीं आए, यहाँ पे आपको नए लगे तो आपने उसको नोट कर लिया। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया बिल्डअप होगी, कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हाउ टू अचीव द 100% एक्यूरेसी या कंप्लीटनेस, हम बोलते हैं कि कंप्लीटनेस कैसे यहाँ पर अचीव की जा सकती है। जो मुझे आता है वो मुझे हमेशा आएगा, जो मुझे नहीं आता अगर वो मैंने वो भी सीख लिया तो कमाल हो गया, है ना। तो इस तरह से अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लिख रहा हो कि मेरे को अपना सिलेक्शन करवाना है, मुझे अपना सिलेक्शन करवाना है, मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, मुझे नेगेटिव मार्किंग कम करनी है, मुझे जरूर स्पीड भी बढ़ानी है, मुझे बी सेल्फिश। ये 21st सेंचुरी है ही सेल्फिश होने की सेंचुरी, अगर आप सेल्फिश हो गए कामयाब हो गए, सिंपल सी बात, कामयाब होना है, हाँ या ना बोलेंगे, ठीक है, लाइव है अपन, हाँ या ना बोल देंगे, कामयाब होना है कि नहीं होना है, राइट। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, चलो चलें फिर, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन भी दबा दें। Rohit10 का कोड ना भूलें, जब भी आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म से लिंक होना चाहते हैं तो Rohit10 का कोड आप लगा के लिंक हो सकते हैं, राइट, बिल्कुल सही। चलो बढ़िया, ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और जोश के साथ पढ़ें। बिल्कुल अपने अंदर एक ये चीज़ होनी चाहिए कि सिंपल सी बात है, नीट वाले चाहते हैं तीनों सब्जेक्ट अच्छे से करना है तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, रोज तीनों सब्जेक्ट पढ़ें। कई लोग बोलते हैं कि दो दो सब्जेक्ट करके पढ़ें, लेकिन अब वो टाइम नहीं है, तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है, भले आप एक घंटा देते हैं, डेढ़ घंटा देते हैं अलग से सेल्फ स्टडी पे, क्योंकि फिजिक्स में अगर आपने मुझसे पढ़ लिया 2 से 3 और 8 से 9 तो आपके 2 घंटे तो फिजिक्स के मुझसे ही कवर हो गए, है ना। और जो लोग बोलते हैं कि भाई आपको फिजिक्स भी इतना घंटा पढ़ना है इतना, तो वो तो हमारे वहीं पूरे हो जाते हैं, बस सेल्फ स्टडी बचती है, 1 से 1.5 घंटा मिनिमम आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।